हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी मैंने चैनल पर डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप मेरे चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो बना रही हूँ। केमिस्ट्री के साथ साथ मैंने फिजिक्स का भी पेपर बना रखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों का। तो अगर आपको फिजिक्स का भी चेक करना होगा तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये मेरा सेकेंड है जिसका जो टॉपिक है वो है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, पेपर सेकेंड। तो इसके लिए आपको जो टाइम अलॉट होता है वो 2 आवर्स होता है, आपको पता ही होगा। आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 75 होते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए को देखते हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर मैंने इसका PDF जो है उसको मैंने मेंशन किया है, तो आप PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वॉट इज मेंट बाई बेंजिल्स बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, राइट माइकलिस मेंटेन्स इक्वेशन। वॉट इज मेंट बाई डायगनल रिलेशनशिप, इन वॉट रिस्पेक्ट डज लिथियम रिसम्बल मैग्नीशियम, राइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। वॉट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हाउ मैनी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन। तो फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, इसे 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल 9 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। सेक्शन जो बी होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 9 मार्क्स, टोटल 36 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन विच इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ फेनोलिक ईस्टर विथ हाइड्रोक्सिलिक एरिल कीटोन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, गिव इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म ऑल्सो। डिस्कस इन ब्रीफ द कैटलिस्टिक कैटालिजिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, गिव वन मेथड फॉर ईच प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन बोरोजाइन एंड ज़ेनोन ट्राइऑक्साइड, लिस्ट 4 ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव द बेसिसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो, एक्सप्लेन द लैनोनाइन कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कंसिक्वेंसेज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टेट्रानाइट्राइड एंड फोलोरीन्स। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स इन मेटल कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग, V+3, Mn+3, Iron+3, Fe+3, Cr+3, which one ऑफ देयर इज द मोस्ट सुटेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लीट द रिएक्शन एंड ऑल्सो गिव द नेम ऑफ द रिएक्शन अलॉन्ग विद देयर मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स, आप ये रिएक्शन देख रहे होंगे तो आपको इसको कंप्लीट करके इसका मैकेनिज्म बताना है। ठीक है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय बल्क मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, डिस्कस एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट सिलिकेट्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर ऑफ ये जो है इनके आपको स्ट्रक्चर बताने हैं। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन मेटल्स, स्पेक्ट्रा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड, और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था केमिस्ट्री फिफ्थ सेमेस्टर का सेकेंड पेपर। तो फ्रेंड्स, जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो रिलेटेड इससे, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका ज़रूर सॉल्यूशन निकालूंगी और कमेंट और रिप्लाई भी करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।